दोस्तों क्या आप भी फिल्मोरा वीडियो एडिटर को सीखना चाहते हैं? दोस्तों क्या आप एक बिगिनर हैं और अभी तक आपको फिल्मोरा वीडियो एडिटर यूज करना नहीं आता तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों अगर आप लोगों को फिल्मोरा वीडियो एडिटर यूज करना नहीं आता तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो को देखने के बाद आप फिल्मोरा वीडियो एडिटर के एक प्रो यूजर बन जाएंगे। और दोस्तों साथ ही में बोनस में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप फिल्मोरा वीडियो एडिटर को फ्री में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए। और हाँ दोस्तों साथ ही साथ अगर आप काइन मास्टर वीडियो एडिटर और शॉर्टकट वीडियो एडिटर के बारे में सीखना चाहती हैं तो उनके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं। उनके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी वक्त को जाया किए हम फिल्मोरा वीडियो एडिटर को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप फिल्मोरा वीडियो एडिटर को ओपन करेंगे तो आपको उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको इसके तीन पोर्शन दिखाई देंगे, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन एंड थर्ड पोर्शन। ये हमारे पास फर्स्ट पोर्शन जो है, इसमें आपने अपनी फाइल्स को इंपोर्ट करना है, यानी वो फाइल्स जिनको आप ऐड करना चाहते हैं। और उसके अलावा इस पोर्शन में आपको आपके तमाम फिल्टर्स दिखाई देंगे, यानी यहाँ से आप जिस फिल्टर को यूज करना चाहते हैं, जैसे म्यूजिक, टेक्स्ट, ट्रांजिशन, फिल्टर्स, और यहाँ पे आप जो भी ऑप्शन यूज करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद ये है हमारे पास स्क्रीन बार, यहाँ पे आपको आपकी वीडियो दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो ये है हमारे पास टाइमलाइन, ये हमारी मेन है, यहाँ पे हमने वीडियो को एडिट करना है। तो सबसे पहला हमारा काम जो है वो ये है कि हमने फाइल्स को इंपोर्ट करना है। अब फाइल्स को आप कैसे इंपोर्ट करेंगे? फाइल्स को इंपोर्ट करने के यहाँ पे दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड ये है हमारे पास, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंपोर्ट का, यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, इंपोर्ट मीडिया फाइल्स, इंपोर्ट अ मीडिया फोल्डर। यानी अगर आप कोई एक फाइल जो है वो इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज कीजिए, और अगर आप कोई पूरा फोल्डर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन को चूज कर लीजिए। और उसके बाद सेकंड मेथड जो हमारे पास वो ये है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंपोर्ट मीडिया फाइल्स है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तमाम फाइल्स ओपन हो जाएंगी। अब आपने इनमें से जिन फाइल्स को इंपोर्ट करना है उन फाइल्स को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप इजीली उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम सिंपली यहाँ से उन फाइल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप में जाऊँगा और यहाँ पर मैं अपनी तमाम फाइल्स जो है वो उनको इम्पोर्ट करूँगा। अगर आप एक फाइल को इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो आप एक फाइल को भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा फाइल्स को इम्पोर्ट करना है तो आप उनको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से मैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमारी तमाम फाइल्स इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब हमने इनको ऐड करना शुरू करना है। अब हम इनको ऐड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले नंबर पे आप जिस फाइल को ऐड करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली उसको उठाना है। उठाने के बाद यहाँ पे आपने इसको टाइमलाइन पे ले आना है। यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने इसको टाइमलाइन पे शिफ्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप कोई भी फाइल अगर ऐड करना चाहते हैं तो उसको आप पकड़िए और उसको आप टाइमलाइन पे शिफ्ट कर दीजिए। तो सिंपली अगर आप यहां से अपने टाइमलाइन को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहां से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यानी अगर आप इसको अच्छे तरीके से जूम करके देखना चाहते हैं तो आप इसको इजीली जूम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी वीडियो में कोई भी अनवांटेड पार्ट डिलीट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये वाला पार्ट मैं डिलीट कर दूं, तो वो आप इजीली डिलीट कर सकते हैं। अब आप उस पार्ट को कैसे डिलीट करेंगे? सबसे पहले आपने उस फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक कैंची का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पे गौर से देख रहे हैं। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों पार्ट हमारे पास स्प्लिट हो चुके हैं। तो ये हमारे पास ट्रिम करने का फर्स्ट मेथड था। उसके बाद सेकंड मेथड भी आप यूज करके उसको ट्रिम कर सकते हैं। वो सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड के लिए आपको यहाँ पे एक कैंची का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों पार्ट ट्रिम हो चुके हैं। यानी हमारे पास दो मेथड है जिनको यूज करते हुए आप अपनी वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं। यानी फर्स्ट मेथड में आपने यहाँ कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और सेकंड मेथड में आपको यहाँ पे नीचे एक कैंची दिखाई दे रही होगी। आप इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी वीडियो का कोई भी पार्ट ट्रिम कर सकते हैं। अब आपने किसी भी पार्ट को डिलीट कैसे करना है, यानी आप जिस पार्ट को डिलीट करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको डिलीट करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड में आपको यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा वो पार्ट डिलीट हो चुका है। उसके बाद सेकंड मेथड हमारे पास क्या है? इसको डिलीट करने के लिए सिंपली आपने अपने कीबोर्ड से डिलीट वाला बटन दबाना है। यहाँ पे आप जैसे ही डिलीट वाला बटन दबाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो पार्ट डिलीट हो चुका है। इस तरीके से आप दो मेथड की मदद से कोई भी पार्ट डिलीट कर सकते हैं। अब हम इसको दोबारा प्ले करके दिखा देते हैं आपको। अब हम बारी बारी इन तमाम ऑप्शन को स्टडी करेंगे कि हम इन तमाम ऑप्शन को कैसे यूज करेंगे।
सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मीडिया वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने वो तमाम फाइल्स आ जाएंगी जिन फाइल्स को आप ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद नंबर टू पे आपको ऑप्शन दिखेगा म्यूजिक का, आप सिंपली इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो तमाम म्यूजिक ओपन हो जाएंगे जो कि आप इजीली अपनी किसी भी वीडियो में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ म्यूजिक ऐसे दिखाई दे रहे होंगे जो कि डाउनलोडेड है और कुछ म्यूजिक ऐसे हैं जिनको आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली कोई भी एक म्यूजिक उठाता हूँ और उसको यूज करके दिखाता हूँ। तो सिंपली हम यहाँ से इस म्यूजिक को उठाएंगे और हम इसको यहाँ पे टाइमलाइन पे ले आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप उसको लेके आएंगे टाइमलाइन पे तो वो खुद खुद जो है वो ऑडियो वाली जगह पे चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली कोई भी म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसका वॉल्यूम कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। अब आप इसके वॉल्यूम को कम या ज्यादा कैसे करेंगे? कम ज्यादा करने के लिए सिंपली आपने इस फाइल के ऊपर डबल टैप करना है। तो जैसे ही आप डबल टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने तमाम ऑप्शन आ जाएंगे। अब अगर आप यहाँ से इसकी स्पीड कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप इसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको वॉल्यूम का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप इसकी वॉल्यूम को कम करना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं और अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। उसके अलावा फेड इन फेड आउट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इसके बैकग्राउंड का नॉइज खत्म करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से इजिली रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रिमूव बैकग्राउंड नॉइज, तो आप सिंपली इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम सेटिंग्स जो है वो सेव हो जाएंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप म्यूजिक वाला ऑप्शन इजीली यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप अपनी तरफ से कोई म्यूजिक अपनी वीडियो में ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। आप उस म्यूजिक को कैसे ऐड करेंगे? ऐड करने के लिए सिंपली आपने यहाँ मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपने उस म्यूजिक को उठाना है जो कि आप यूज करना चाहते हैं। यानी आपने सबसे पहले उस म्यूजिक को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से आप म्यूजिक को उठाइए। जैसे यहाँ से मैं इस म्यूजिक को लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको उठाऊंगा और मैं यहाँ पे टाइमलाइन पे ले आऊंगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमने म्यूजिक को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप कोई भी म्यूजिक यूज कर सकते हैं। और अगर आप इस म्यूजिक का वॉल्यूम कम ज्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ इसके ऊपर डबल टैप करके कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट क्रेडिट की। यहाँ पे अगर आपने अपनी वीडियो में कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है तो आप वो टेक्स्ट इजीली ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? सिंपली आपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको तमाम फॉर्मेट दिखाई देंगे। आप कोई भी फॉर्मेट जो है वो चूज कर लें जिस फॉर्मेट को आप यूज करना चाहते हैं। इसके अलावा आप इस टेक्स्ट को एज अ इंट्रो भी यूज कर सकते हैं। यानी अगर आप अपना कोई इंट्रो वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यानी आपको अलग से इंट्रो बनाने की जरूरत नहीं है बल्कि आपको वो फिल्मोरा में ही ऑप्शन दिखेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ये इफेक्ट लगाना है, ये इफेक्ट लगाना है या ये इफेक्ट लगाना है। आप इनमें से कोई इफेक्ट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी आपको इफेक्ट लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ से हम ये इफेक्ट लगाएंगे तो यहाँ से मैं इसको उठाऊंगा और उठाने के बाद यहाँ पे मैं इसको टाइमलाइन पे ले आऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने टाइमलाइन पे इसको शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपको यहाँ पे इस तरीके से इंट्रो दिखेगा। अब यहाँ पे आपने अपना टेक्स्ट कैसे ऐड करना है? टेक्स्ट ऐड करने के लिए सिंपली आप इसके ऊपर डबल टैप कर दीजिए। जैसे आप डबल टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे आप अपने चैनल का नेम लिख सकते हैं। जैसे मेरे चैनल का नेम है वारिस टेक, तो यहाँ पे मैं वारिस टेक लिखूंगा, वारिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इंट्रो ऐड कर दिया। यहाँ पे अगर आप इसके स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। कोई स्टाइल अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो आप इजीली लगा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप इसका साइज बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, तो इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड भी कर सकते हैं, और इसको अगर आप अटैलिक करना चाहते हैं तो आप अटैलिक भी कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आपको कलर्स भी चेंज करने का ऑप्शन दिखेगा। यानी यहाँ पे अगर आप कोई कलर वगैरह इसका चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर आप इसको रेड करना चाहते हैं तो आप रेड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप वो इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। तो उस तरीके से अगर आप ये नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है यू आर टाइटल, यहाँ पे अगर आप अपना टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे ऐड करेंगे? उसको ऐड करने के लिए सिंपली आपने अपनी उसी फाइल के ऊपर डबल टैप कर देना है। डबल टैप करने के बाद यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए। ये वाला हिस्सा सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है यू आर टाइटल हियर, यहाँ पे आपने इसको डिलीट कर देना है। रिमूव करने के बाद यहाँ पे आपने अपना टाइटल देना है। जैसे मेरा चैनल टेक्स रिलेटेड है तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूंगा टेक्नोलॉजी, यहाँ पे लिख दूंगा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी लिखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सब टाइटल आ चुका है। अब अगर आप इसकी फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप वो इजीली कर सकते हैं। कोई भी स्टाइल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर लीजिए, अटैलिक करना चाहते हैं अटैलिक कर लीजिए,
तो इस तरीके से अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई कलर भी सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कलर भी चेंज हो चुका है। ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आपने ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दोबारा प्ले करके दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमारे पास इंट्रो बन चुका है। तो इस तरीके से आप फिल्मोरा वीडियो एडिटर को यूज करते हुए अपना खुद का इंट्रो भी बना सकते हैं और उसके लिए आपको अलग से इंट्रो नहीं बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप टेस्ट क्रेडिट का ऑप्शन इजीली यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिशन की। अगर आप अपनी किसी भी वीडियो में कोई ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली लगा सकते हैं। अब ये ट्रांजिशन होते क्या है मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। अब ये ट्रांजिशन वाला ऑप्शन आप कैसे यूज करेंगे, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इंट्रो जो है वो जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हमारी वीडियो शुरू हो जाएगी। अब अगर आप अपनी वीडियो और इंट्रो के दरमियान कोई ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको चेक करवाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही इंट्रो खत्म होगा उसके बाद मेरी वीडियो शुरू हो जाएगी। अगर आप इसमें कोई ट्रांजिशन इफेक्ट लगाएंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। वो कैसे आप लगाएंगे, सिंपली आपने यहाँ से कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट अगर लगाना है तो आप सिंपली इसको चूज कर लीजिए। मान लीजिए कि ये ट्रांजिशन इफेक्ट मैं लगाऊंगा, यहाँ से मैं इसको पकड़ूंगा, पकड़ने के बाद यहाँ पे मैं ट्रिम वाले हिस्से पे इसको लगा दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट लग चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको दोबारा इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप इजीली कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के ट्रांजिशन इफेक्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे आप कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट अगर लगाना चाहते हैं तो उसको आप इजीली अपनी किसी भी वीडियो में लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे फिल्टर्स की। अब आप फिल्टर्स को कैसे यूज करेंगे, तो सिंपली हम यहाँ पे फिल्टर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ फिल्टर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कोई भी फिल्टर अपनी वीडियो में लगाना चाहते हैं तो वो आप इजीली लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर दिखाई देंगे। यहाँ पे मैं कोई एक फिल्टर आपको लगा के दिखा देता हूँ। सिंपली हम यहाँ से इस फिल्टर को उठाएंगे और फिल्टर को उठाने के बाद यहाँ पे हम इसको ट्राई करते हैं। ये हमारे पास फिल्टर आ चुका है। अब हम यहाँ से वीडियो को प्ले करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये फिल्टर लग चुका है। इस तरीके से आपकी वीडियो जो है वो शेक करेगी, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी फिल्टर लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और फिल्टर ट्राई करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हम इस फिल्टर को उठाएंगे और हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन इस तरीके से जो है वो शेक कर रही है, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर्स इजीली अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं ओवरले की। हम ओवरले वाला ऑप्शन कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ओवरले के मुख्तलिफ इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हम कोई भी ओवरले वाला इफेक्ट यूज करते हैं, तो मैं सिंपली इसको यूज करूंगा। उसके बाद मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो में ओवरले लग चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी वीडियो में कोई बॉर्डर वगैरह या ओवरले लगाना चाहते हैं तो वो आप इजीली लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कोई और ओवरले आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। इसको यहाँ से मैं उठाऊंगा और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी हाफ स्क्रीन जो है वो यहाँ से ब्लैक हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड बार जो है ब्लैक हो चुकी है, जैसे कि आप मुख्तलिफ फिल्मों में देखते हैं। तो इस तरीके से आप ओवरले वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। आप इन एलिमेंट्स को कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे मुख्तलिफ इफेक्ट इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे ये हर्ट वाला, यहाँ पे आपको दो बर्ड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको लव वाला, और यहाँ पे आप कोई भी इफेक्ट अगर यूज करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो इनमें से मैं आपको कोई एक इफेक्ट यूज करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास है, ये हम इसको यहाँ से उठाएंगे और इसको हम यहाँ पे उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको कोई और एलिमेंट यूज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये लव वाला जो है इसको यहाँ पे आप देख सकते, यहाँ पे ये जो लव वाला एलिमेंट है इसको मैं यूज करता हूँ। यहाँ से इसको मैं उठाऊंगा और यहाँ पे मैं टाइमलाइन पे शिफ्ट कर दूंगा। अब हम वीडियो को प्ले करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एलिमेंट लग चुका है। इस तरीके से अगर आप किसी को भी कोई वीडियो बना के भेजना चाहते हैं और उसमें अगर आप ये एलिमेंट यूज करना चाहते हैं तो वो आप इजीली यूज कर सकते हैं। अगर आप इस एलिमेंट को यहाँ से उठाकर कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि ये टॉप पे दिखे तो आप इसको टॉप पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर आप इसको जो है वो बॉटम में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप इसको बॉटम में भी शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर आप इसको रीसाइज करना चाहते हैं तो आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ें और आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एलिमेंट वाला ऑप्शन भी अपनी वीडियो में ईजिली यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा स्प्लिट स्क्रीन का, तो आप सिंपली इसको भी यूज कर सकते हैं। आप अक्सर टेलीविजन में देखते होंगे कि आपको एक ही स्क्रीन पे जो है वो दो मुख्तलिफ वीडियोज दिखाई देती होंगी। तो इस तरीके से अगर आप एक ही स्क्रीन में तीन चार वीडियोज ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ये दो बॉक्स यूज करेंगे
तो इसमें आप अपनी दो वीडियोस जो है वो एट अ टाइम प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास थ्री स्क्रीन है, तो इसको मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं इसको पकड़ूंगा, पकड़ने के बाद इसको मैं जो है वो टाइमलाइन पे शिफ्ट कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से मैंने इसको टाइमलाइन पे शिफ्ट कर दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एट अ टाइम तीन वीडियोस प्ले होंगी एक ही स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन वन, स्क्रीन टू एंड स्क्रीन थ्री। अब आपने इनमें वीडियोस कैसे एडजस्ट करनी है, वीडियो एडजस्ट करने के लिए सिंपली आपने करना क्या है, यहाँ पे आपको ड्रॉप जून वन दिखाई दे रहा है, ड्रॉप जून टू एंड ड्रॉप जून थ्री। अब अगर आप अपनी कोई वीडियो ड्रॉप जून वन में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने सिंपली करना क्या है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से अपनी कोई वीडियो उठानी है, जैसे मैं यहाँ से अपनी कोई एक वीडियो उठा लेता हूँ, यहाँ से मैं इस लोगो को उठाऊंगा। इसको उठाने के बाद जो है मैं ड्रॉप जून वन में इसको ड्रॉप कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी पहली स्क्रीन जो है इसमें एक जो है वो लोगो लग चुका है। इस तरीके से आप कोई भी वीडियो इसमें ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी वीडियो अगर हम लगाना चाहते हैं, यहाँ से मैं इसको उठाऊंगा और इसको मैं ड्रॉप जोन टू में जो है वो ड्रॉप कर दूंगा। यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे पास सेकंड स्क्रीन में भी वीडियो लग चुकी है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कोई और वीडियो लगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ से इसको उठाऊंगा इस वीडियो को, तो यहाँ पे मैं जो है इसको ड्रॉप जोन थ्री में ड्रॉप कर दूंगा। तो इस तरीके से अगर आप एक ही स्क्रीन पर मुख्तलिफ वीडियो शो करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तीनों वीडियोस एट अ टाइम एक ही स्क्रीन पे आपको नजर आएंगी। एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपने सिंपली यहाँ एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है वो ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से मेन्यू ओपन हो जाएगा। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप वीडियो को किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, तो सिंपली आपने यहाँ सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो है वो इसकी क्वालिटी को सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप अगर इसकी रेजोल्यूशन को सेट करना चाहते हैं, यानी आप अगर इसको 720 में करना चाहते हैं, 1080 में करना चाहते हैं, और उसके अलावा आप इसको जिस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे और सेटिंग्स नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पे आप इसकी क्वालिटी को भी सेट कर सकती हैं, बेस्ट, बेटर एंड गुड। आप इनमें से जो भी क्वालिटी रखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने यहाँ ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके अलावा अगर आप इसको MP4 में करना चाहते हैं, 3GB में करना चाहते हैं, MP3 में करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन दिखेंगे। अगर आप इसको डायरेक्ट यूट्यूब पे जो है वो अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको डायरेक्ट यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे आपने सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपने सिंपली एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वीडियो आपके लैपटॉप में सेव हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि हम फिल्मोरा वीडियो एडिटर को रजिस्टर कैसे करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल फ्री में फिल्मोरा वीडियो एडिटर को रजिस्टर कर सकते हैं। अब आपने रजिस्टर कैसे करना है, रजिस्टर करने के लिए सिंपली आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले अपने लैपटॉप से वाईफाई को डिसकनेक्ट कर देना है, यानी उसको ऑफ कर देना है। सबसे पहला काम आपने यही करना है। वाईफाई को ऑफ करने के बाद सिंपली आपको ऊपर जो है वो एक हेल्प का ऑप्शन दिखेगा, तो आपने सिंपली ऊपर हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो एक ऑप्शन दिखेगा ऑफलाइन एक्टिवेशन का, तो आपने सिंपली ऑफलाइन एक्टिवेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑफलाइन एक्टिवेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो बुक्स दिखाई देंगे, एक लाइसेंस्ड ईमेल और रजिस्ट्रेशन कोड। यहाँ पे आपने ईमेल और कोड यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। वो आपने कहाँ से हासिल करना है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके ईमेल और कोड को वहाँ से कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आप जो है वो उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पहले से रजिस्टर कर रखा है। अगर आपका रजिस्टर नहीं होगा तो आपको यहाँ पे बॉक्स जो है वो खाली दिखाई देंगे, तो आपने सिंपली ईमेल और कोड को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के जरिए डाउनलोड कर लेना है। यानी वहाँ पे आपको एक आर्टिकल मिलेगा, वहाँ पे आप जैसे ही आर्टिकल में जाएंगे आपको वहाँ पे बहुत सारे ईमेल और कोड मिल जाएंगे। पहला ईमेल और कोड आप ट्राई करेंगे तो वही लग जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली फिल्मोरा को लाइफ टाइम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने जब भी फिल्मोरा को यूज़ करना है तो आपने एक चीज़ का ध्यान करना है कि जब भी आप फिल्मोरा को यूज़ करने लगें तो आप अपने लैपटॉप से वाईफाई को ऑफ कर लीजिए। अगर आप ऑफ नहीं करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी आपने इसी तरीके से दोबारा इसको रजिस्टर कर लेने हैं। लेकिन आपने वाईफाई को ऑफ रखना है जब भी आपने फिल्मोरा को यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप फिल्मोरा वीडियो एडिटर को इजीली रजिस्टर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। और हाँ दोस्तों, अगर आप कॉइन मास्टर वीडियो एडिटर और शॉर्टकट वीडियो एडिटर के बारे में सीखना चाहते हैं तो उनके लिंक्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों उनके ऊपर भी मैंने मुकम्मल वीडियोस बनाई हुई हैं, उन वीडियो को देख के आप इजीली कॉइन मास्टर वीडियो एडिटर और शॉर्टकट वीडियो एडिटर को यूज़ करना सीख जाएंगे। और दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल वारिस टेक को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।